उसके बाद रैप टेक्स्ट हमने देखा कि अगर टेक्स्ट की लंबाई सेल से बाहर जा रही है तो रैप टेक्स्ट करेंगे तो वो सेल हो जाता है नीचे, लाइक एंड्रयूज के आगे एंड्रयूज रैंक द हिल। अब ये ऐसी टेबल जो किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी, तो रैप टेक्स्ट दबाएंगे तो एंड्रयू वेंट टू द हिल हो गया। और यहाँ से अब एक कमांड मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रो की हाइट वाइट कैसे चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और रो हाइट में आपको जो भी हाइट चाहिए वो हाइट आप ले सकते हैं। 20 तो सब खुला हो गया, और बड़ा चाहिए रो हाइट कीजिए और 35 और बड़ा हो गया। जितनी भी हाइट आपको चाहिए, यूनिफॉर्म एक सेल की चाहिए तो उस सेल को सिलेक्ट करो, एक पूरी रेंज की चाहिए पूरी रेंज सेलेक्ट करो। कंट्रोल जेड कर दूँ तो ये पहले जैसा हो गया वापस, एंट्रीज को भी वापस राइट। ये हमने बात करी कि ऊपर की ऑप्शंस की। फिर ये कोमा क्या करता है, अगर कोई फिगर बड़ी है और हमको कोमा यूज करने से कोमा डाल देगा। अब इसमें अगर हमें डेसिमल चाहिए नहीं चाहिए वो हमारी ऑप्शन है, सो यहां से हम डिक्रीज डेसिमल करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। सो कोमा फंक्शन फिगर्स के बीच में, अब कई बार हम लोग करेंसी में लिखते हैं 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख और हमें कोमा डालना है, तो हर एक में हम मैनुअली कोमा तो नहीं डाल सकते, इसलिए कोमा की ऑप्शन से हम कोमा डाल सकते हैं। अब ये जो नंबर्स हैं, अब इसमें मैं एक बेसिक छोटी सी चीज यहाँ पे रोकता हूँ कि डिफरेंट टाइप का डाटा है इस टेबल में। मैं इस टेबल के ऊपर आता हूँ क्योंकि अब इस टेबल के साथ हम काम करेंगे। पहली डेट में पहले कॉलम में डाटा है। अब किसी को इस तरह का डाटा पसंद है, किसी को किसी और तरह का, तो डाटा को हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब डेट का फॉर्मेट किसी ने ऐसे लिखा 12 21 20, 4 10 20। अब हमारे इंडिया में ऐसा कंसेप्ट नहीं चलता है, तो क्या करने का, फॉर्मेट सेल में जाने का, तो इसको सेकंड स्टेज पे लिखा, पहले दूसरा फंक्शन आपको उसको अभी हम लोग इसको पहले निपटाते, फिर मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा। फॉर्मेट एज टेबल से हमने देखा कि कोई भी टेबल को हम अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसा भी फॉर्मेट हमको चाहिए। देर आर डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल, सो जो भी हमको अच्छा लगे हम वो फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। अब इसके आगे एक और पर्टिकुलर है, वो है सेल स्टाइल। अभी आपने टेबल तो कर लिया, अभी एक पर्टिकुलर बाय इसको आपको बड़ा या छोटा कुछ करना है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे अजीब सा कंफ्यूजिंग सा है, पर ये है क्या, बहुत ईजी। आप किसी भी सेल में किसी को भी चूज करेंगे तो आपको वैसा डिजाइन आपके सेल में मिलेगा। लाइक अगर मुझे हेडिंग सेलेक्ट करूंगा तो बाइंडर देखो हेडिंग के फॉर्मेट में हो गया, मुझे छोटा हेडिंग करना है छोटा हेडिंग करना है, तो मेरे को कहीं पे भी ना तो फॉन्ट सेलेक्ट करना है ना फॉन्ट की नंबरिंग चेंज करनी है, यहां से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कोई भी फॉन्ट कैसा दिखेगा। लाइक मुझे पिंक करना है, व्हाइट में करना है, एक्सेंट लेना है एक्सेंट लेना है, तो ये पर्टिकुलर वार्निंग टेक्स्ट है, बैड लेना है, गुड लेना है, न्यूट्रल लेना है, हाइपरलिंक डालना है। तो ये सेल्फ स्टाइल से आप किसी भी सेल के साथ जिस तरह का भी आपको फॉर्मेटिंग चाहिए वो आप यहां से कर सकते हो, ठीक है। इंसर्ट से आप रो इंसर्ट कर सकती हो, सेल इंसर्ट कर सकती हो, फॉर्मेट में भी आप रो हाइट कर सकती हो, कॉलम की विड्थ कर सकते हो। अब हाइड एंड हाइड कॉलम करना भी बहुत यूज होता है कई बार। लाइक अभी आपकी शीट में 6-7 कॉलम है, आपको कोई डाटा देना है किसी को और आपको ए नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक कीजिए, हाइट दबाइए तो डाटा गायब हो गया, लेकिन डिलीट नहीं हुआ है सिर्फ गायब हुआ है, उसको वापस लेना है, सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करो और अनहाइड कर दो। अब यहां पे आपको जाने के लिए A1 पे जाना पड़ेगा, इन दो को सिलेक्ट करता हूँ, इनको मैं हाइड कर देता हूँ पहले। तो अब ये कॉलम में आ रहा है ऑर्डर डेट आइटम यूनिट वाइज, जिसको इतना डाटा चाहिए था उतना दे दिया। अब मुझे वापस करना है तो सिलेक्ट करूं और राइट क्लिक करके अनहाइड करूंगा तो वो डाटा वापस आ जाएगा। तो हाइड अनहाइड जो फंक्शन है उसको भी इसमें लिखता हूं कि हाइड अनहाइड कैसे करते हैं। हाइड अनहाइड
अब हमारे को मेन जो है ये सब जो हमने पढ़ा ये सब इसके लिए था। अब हम सिर्फ डाटा की टेबल के ऊपर आ रहे हैं कि इस टेबल को डाटा को हम इंफॉर्मेशन में कैसे बदलें। कंट्रोल सी करके आप इस डाटा को राइट क्लिक करके नई शीट में मैं पेस्ट कर रहा हूँ डिलीट। अब इस अब हम एक्चुअल जो भी हमने सीखा है उसको इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर्मेट पेंटर करके इसको मैं एकदम ब्लैंक डाटा एंट्री जैसी टेबल बना रहा हूँ ताकि फॉर्मेटिंग भी हम अपनी चॉइस से करें। अब मैंने एक डाटा डाला, ये एक पर्टिकुलर डाटा है जो मैंने अपने हाथ से मैन्युअली फीड किया, ना तो इसमें किसी तरह की फॉर्मेटिंग है ना कुछ है। अब मुझे इससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे क्या करना है। सबसे पहले आप ये डाटा समझिए, डाटा क्या कह रहा है। अब ये डेट का जो फॉर्मेट है यहां से मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ और डेट मुझे जैसी चाहिए जो हम उस टाइम बात कर रहे थे, लाइक हम लोगों को ये चाहिए। ठीक है, तो ये डेट मैंने कॉपी की। अब सबसे पहले मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर मुझे आपको ये कहीं पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखना है तो आप कैसे लिखोगे। जल्दी आप लोग टाइप करोगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। एक्सेल आपको एक ऑप्शन देता है राइट मंडे, नीचे देखिए एक छोटा सा हैंडल दिख रहा है, इसको ड्रैग करिए, संडे तक जाएगा फिर से मंडे पे आ जाएगा राइट। अभी यही मेरे को अगर कहीं पे महीने लिखने हो जनवरी, इस हैंडल को कीजिए, इसको फिल कमांड कहते हैं, दिसंबर, आगे चलूंगा तो फिर से जनवरी दिसंबर हो जाएगा राइट। तो ये अपना काम आसान करता है, अपने को टाइप नहीं करना, इसको फिल फंक्शन कहते हैं। मंडे ये जो डेट्स लिखने हैं और डे लिखने हैं, एक लिखो और उसको ड्रैग कर दो। लेकिन अब इसी लॉजिक से जब मैं एक लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली लेना चाहिए 1 2 3 4, लेकिन ये नहीं लेगा। पर ऐसे तो होता नहीं, क्योंकि हमको जब भी कोई डाटा डालते हैं तो हमें 1 2 3 4 5 नंबरिंग करनी पड़ती है राइट। तो अब हम क्या करें, जितने में भी करना है एक लिखा, सेलेक्ट किया जहां तक भी हमको लेना है। यहां पे देखो फिल की ऑप्शन है, फिल में सीरीज की ऑप्शन है। सीरीज में अब आपसे ये क्या पूछ रहा है कि आपका डाटा रो में है कि कॉलम में है, तो हमने कहा कॉलम में। फिर लीनियर का मतलब है कंटिन्यूअस चल रहा है। अब वो पूछ रहा है कि हर डाटा में कितना चेंज होगा, 1 2 3 4 में सिर्फ एक का चेंज होता है। तो अगर मैं एक सेलेक्ट करता हूं तो देखो इसने ऑटोमेटिकली आपको एक से लेके 44 तक पूरा डाटा कंटिन्यूस में भर दिया। लेकिन अब आप बोलते हो नहीं मुझे 1 2 3 नहीं चाहिए, मुझे 1 3 5 7 प्राइम नंबर चाहिए। तो फिर से मैं उसको सिलेक्ट करूं, फिल में जाऊं, सीरीज में जाऊं, स्टेप वैल्यू 2 करूं। अब देखो डाटा में नंबर कैसे आ रहे हैं, 1 3 5 7 9 11 13, तो एक एक का गैप हो गया। अब ये मेरी चॉइस है कि मुझे कितने कितने का गैप देना, क्लियर। तो ये फिल की कमांड से होता है। अब मेन जब हम बात करेंगे, अब ये इंफॉर्मेशन का हम यूज क्या करें। अब ये डेट वाइज है तो अब यहां से मेन टेबल से डाटा से इंफॉर्मेशन में लाएंगे। डाटा और इंफॉर्मेशन में फर्क कितना है, डाटा सिर्फ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है और इंफॉर्मेशन उससे हमको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देगी। अब ये जो डाटा है ये बिफोर का डाटा है, अभी आपको मैं जब फॉर्मेटिंग करके दिखाऊंगा तो ये एक बहुत प्रेजेंटेबल टेबल बनेगी जो आप अपनी मैनेजमेंट को दे सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको सॉर्ट कमांड सीखनी है। सॉर्ट का मतलब था हम इस डाटा को सॉर्ट कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन वाइज, रिप्रेजेंटेटिव वाइज, आइटम वाइज, तो हम कैसे करेंगे उसको, जितने को भी सिलेक्ट करना है उस डाटा को सिलेक्ट कीजिए। यहां पर राइट में देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर की कमांड है, कस्टम सॉर्ट पे जाइए। अब ये एक टेबल खुली, इसको आप समझ लीजिए क्योंकि बहुत फंक्शन यूज होता है सॉर्टिंग का। सबसे पहले ये पूछ रहा है आपकी रो का हेडर है कि नहीं, मैंने क्लियर टिक किया तो इसने ऊपर का जो ऑर्डर डेट रीजन रेप आइटम यूनिट उसको छोड़ दिया। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो उसको भी सॉर्टिंग कर देगा। तो जल्दी हमारी टेबल्स में ऊपर हेडिंग होता है तो वी हैव टू सिलेक्ट दिस थिंग कि माई डाटा हैज हेडर। अब उसके बाद मैं क्या बोलता हूं इसको कि आप सबसे पहले डेट पे सॉर्ट करो, देन डेट में सॉर्ट करो पुरानी डेट से नई डेट की तरफ,
फिर मुझे उसके बाद आप सॉर्ट करके दो रीजन वाइज, राइट, फिर मुझे सॉर्ट करके दो एड लेवल करते रहने का रिप्रेजेंटेटिव वाइज, फिर मुझे सॉर्ट करके दो आइटम वाइज। जल्दी अगर कोई भी है आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको ऐसे ही डाटा चाहिए कि मुझे डेट वाइज कितनी सेल हुई, रीजन वाइज कितनी सेल हुई, किस रिप्रेजेंटेटिव ने कितनी की, कौन कौन सी आइटम दी, वो डाटा दो। जैसे मैंने किया, इसने डाटा को, ये देखो 21 दिसंबर में सेंट्रल में एंड्रयू ने बाइंडर बेचे 28 यूनिट 4.99 पैसे के हिसाब से। 22 तारीख को सेंट्रल में एंड्रयू ने बेचे पेंसिल बेची 75 1.99 के हिसाब से। ऐसे डेट वाइज करके 21 दिसंबर से लेके 1 फरवरी 21 तक वो ले आया। अब मुझे ये देखना है कि अल्टीमेटली एंड्रयू ने कितने रुपए का ऑर्डर लाया, तो उसके लिए मुझे यहाँ ऑर्डर वैल्यू चाहिए। अब जनरली कैलकुलेटर में जब हम करते हैं तो ऑर्डर निकालना है कितनी यूनिट और कितनी यूनिट कॉस्ट, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे को ऑर्डर वैल्यू आती है। तो एक्सेल का सिंपल फॉर्मूला, जब भी आपको कोई कैलकुलेशन करनी है या तो इज इक्वल टू दबाइए या फिर प्लस दबाइए, उसके बाद जो भी कैलकुलेशन करनी है 28, अब मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टार यूज होता है, इंटू स्टार, और जिसको भी मल्टीप्लाई करना है, एंटर किया, सो आपके पास इसके ऑर्डर की वैल्यू आ गई। इसको हम लोगों ने नीचे ड्रैग किया तो फॉर्मूला पूरा कॉपी हो जाता है। अभी यहाँ पे हमको सिर्फ ये पता चला कि कितनी कितनी सेल हुई, लेकिन स्टिल हमको कोई मीनिंगफुल आंसर नहीं आ रहा कि आज के दिन में टोटल कितनी वैल्यू की ऑर्डर्स आए हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे टोटल का फॉर्मूला लगाना है। दो ऑप्शन थी, सबसे पहले मैं ऑटो सम दबा दूं तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला आ गया इज इक्वल टू सम पहली रेंज से लेके नीचे की। तो हमेशा ये सेल रेफरेंस पे ध्यान देना, जी टू जी इज कॉलम एंड टू इज रो, जी 44 जी इज कॉलम एंड 44 इज लास्ट रो। सो हमको ये मालूम पड़ा कि अभी जो डाटा था उससे हमें कुछ नहीं मालूम पड़ा था, जब हमने दो फॉर्मूला लगाए तो मुझको ये पता चल गया कि 21 दिसंबर 20 से लेके 1 फरवरी 21 तक 19,627 रुपए की सेल हुई है। लेकिन अब ये जो सेल है, अब मुझे ये देखना है कि पर डे कितनी सेल हुई है। तो पर डे सेल निकालने के लिए मुझे पता चला टोटल सेल हुई, राइट, टोटल सेल 19,627। अगर पर डे सेल निकालने के लिए बोलूं तो आपको इसको एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज कितना नंबर ऑफ डेज से। तो सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ डेज चाहिए, अब वो कहां से आएगा। अब मेरे पास एक ऑप्शन, मैं 1 2 3 4 काउंट करूं या फिर मैं यहां पे काउंट फंक्शन लगाऊं इज इक्वल टू काउंट और वो रेंज जहां पे डेट्स लिखी है, यहां से मैंने क्लिक किया और शिफ्ट दबा के एंड तक मैंने लेके गया C44 तक, ब्रैकेट क्लोज की, तो मुझको पता चला 43 डेज में 19,627 की सेल हुई है। तो पर डे सेल का फॉर्मूला मेरे को डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए क्या यूज होता है, पर डे सेल, ये आपको मैं मैनुअल तरीके बता रहा हूं, जब हम कैलकुलेटर से काम करते हैं तो हम ऐसे करते हैं। पर डे सेल कितनी हुई इज इक्वल टू दिस, अब डिवाइड करने के लिए यहां पे ये स्लैश का बटन दबते हैं, डिवाइड बाय 43, तो पर डे सेल है 456.46 की, राइट। अब एक और फंक्शन लगा के मैं टेस्ट करता हूं कि क्या वो फंक्शन भी यहां पे होल्ड गुड करता है। वो फंक्शन है एवरेज, कि एवरेज सेल कितनी थी इज इक्वल टू एवरेज। अभी जो जो फंक्शन हमने किए थे ना, वो फंक्शन हम यहां पे यूज कर रहे हैं इस डाटा में। ये देख लीजिए, अभी मैंने इस स्टेप में मेरे को 1 मिनट लगा और उस स्टेप में मुझे 3 मिनट लगे, मुझे नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने पड़े, सेल कैलकुलेट करनी पड़ी और पर डे सेल कैलकुलेट करनी पड़ी। उसका मेरे पास सब्स्टिट्यूट था एवरेज कमांड, मैंने जैसे ही एवरेज किया उसने अपने आप उसका एवरेज कर दिया, राइट। अब इसके बाद हमको ये देखना है कि मैक्सिमम सेल कितनी हुई इस पीरियड में, मैक्सिमम सेल। अब ये देखो ये आगे चला गया, अब मैं क्या करूं, आपको मैंने बताया था अगर ऐसे चला जाए प्लीज रैप टेक्स्ट करो वो नीचे हो जाएगा। अब मैक्सिमम सेल निकालने के लिए मुझे फंक्शन यूज करना है मैक्सिमम मैक्स, और उस डाटा को सिलेक्ट कर देना,
ये डाटा सिलेक्ट भी कर सकते हैं, मैनुअली भी आप रेंज टाइप कर सकते हैं अगर आपको वो ज्यादा कमाल करता है। सो ये कह रहा है 1879.06 की जो सेल है वो पर्टिकुलर डे पे थी। अब मुझे ये निकालना है 1879.06 की सेल कौन से दिन थी। यहाँ पे कमांड यूज होती है फिल्टर। मैंने सॉर्ट एंड फिल्टर में गया, फिल्टर की कमांड डाली। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे 18 वाली फिगर निकालूंगा। यहाँ पे देखो फिल्टर कैसे चलता है, ऑटोमेटिकली जितनी भी यूनिक आइटम्स है वो उसको ले लेता है। सबसे पहले सिलेक्ट ऑल हटा दीजिए, अब जो पर्टिकुलर चीज चाहिए उसी को एक क्लिक कीजिए तो आपको पता चलेगा 1879 की सेल किसने किस दिन कब की थी। तो आपको पता चल रहा है 31 दिसंबर में सेंट्रल में जार्डिन ने बाइंडर की 94 यूनिट 99 रुपीज के हिसाब से 1879 की बेची थी, ये मैक्सिमम सेल थी। तो फिल्टर की कमांड मुझे पूरे डाटा में कोई भी पर्टिकुलर चीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इजी होती है। फिल्टर में जाऊं, रिमूव फिल्टर करेंगे तो वो फिल्टर हट जाता है। अब इसी फिल्टर की कमांड में मुझे ये देखना है कि इस पूरे डाटा में एंड्रयू ने कब कब कितनी कितनी सेल की है। वो जो फिल्टर हमने किया था वो नंबर फिल्टर था, अब मैं एंड्रयू की सेल देखना चाहता हूँ। तो ये जितने भी लोग थे सबके नाम आ गए यहाँ पे। सो अगर मुझे देखना है कि इस पूरे टेबल में एंड्रयू, सब पहले हटा दीजिए और जिस जिस का अपना खुद से क्वेश्चन बनाइए कि आपको किसकी सेल देखनी है। आप कहते हो मुझे एंड्रयू की सेल देखनी है, गिल की सेल देखनी है और जॉइन की सेल देखनी है, उनको सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, सिर्फ उनकी सेल आएगी। तो ये आपको बहुत ईजी है डाटा ढूंढने के लिए। इसको फिल्टर की कमांड कहते हैं और ये टेक्स्ट फिल्टर है क्योंकि टेक्स्ट के ऊपर लग रहा है। अब इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ये मैंने एक एकदम सिंपल बताया जैसे सिलेक्ट करने का ऑप्शन। इसका दूसरा वर्जन होता है टेक्स्ट फिल्टर में बिगिंस विद। अब आपको नहीं पता क्या नाम था उसका, आपको तो बिगिन विद ए एन डी, तो जिसका भी नाम ए एन डी से शुरू हो रहा होगा वो सिर्फ उसी की सेल दिखाएगा। तो टेक्स्ट फिल्टर में डिफरेंट ऑप्शंस है, जब आप इसको ट्राई करोगे तो आपको बहुत सारे बिगिन विद, एंड विद, इक्वल, नॉट इक्वल, वो सब आपको फिल्टर के अंदर दिखेगा। लाइक फिल्टर को मैं अभी हटा रहा हूं, एक बार फिर से फिल्टर डालता हूं। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि मैं आपसे ये पूछता हूं कि मुझको चाहिए सेल, फिल्टर कर रहा हूं मैं, नंबर फिल्टर है अभी क्योंकि नंबर सिलेक्टेड है, जो 1000 से ऊपर कम की सेल है। तो लेस देन और इक्वल टू की फॉर्मेट ली, 1000 लिख दिया तो इस पूरी टेबल में जो भी 1000 से नीचे की सेल है वही फिगर्स आएंगे। तो 189 उड़ गया। यही अगर मैं नंबर फिल्टर में ग्रेटर देन करूं और 1000 करूं तो मुझे सिर्फ 1000 से ऊपर की फिगर्स दिखेंगे। तो फिल्टर की कमांड किसी भी डाटा में जो भी आपकी मन की क्वेरी है उसको आप नंबर फिल्टर या टेक्स्ट फिल्टर के हिसाब से आप डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, डाटा अपनी पोजीशन पे ही रहता है, डाटा हिलता नहीं है। सॉर्ट जब आप करेंगे तो डाटा अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। तो जब भी आप ध्यान दें कि सॉर्ट करने में आपका डाटा हिल जाएगा, तो अगर आपको डाटा हिलाना नहीं है तो आपको सॉर्ट की जगह फिल्टर कमांड यूज करनी चाहिए। फिल्टर मैंने हटा दिया, अब ये डाटा था। यहां से हमने अभी पहला जो फंक्शन देखा, मैक्सिमम सेल देखी, फिर फिल्टर कमांड से मैंने ये भी देखा कि ये किसने किया था, मिनिमम सेल किसने करी, कौन है जिसको काम करना नहीं आता, इज इक्वल टू मिनिमम सेलेक्ट कीजिए, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जैसे भी आपको ठीक लगे दबाइए, एंटर मारिए। तो नो की सेल किसने की, अभी नो की सेल करने के लिए मैं फिर से एक बार फिल्टर को यूज करता हूँ। सॉर्ट एंड फिल्टर में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि नो की सेल किसने की है। ये देखिए पहला ही आदमी है नो की सेल वाला, ये हमेशा अल्फाबेटिकली या असेंडिंग ऑर्डर में ही रहता है। सो गिल ने 7 पेंसिल 1.29 रुपए के हिसाब से 29 दिसंबर को बेची थी। तो अभी जो डाटा था अब हमको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सबसे मैक्सिमम सेल कितनी हुई, टोटल सेल कितनी हुई, एवरेज सेल कितनी है। तो ये सब इस एक्सेल की कृपा है कि आप इसके फंक्शंस को यूज करके किसी भी डाटा से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये बिगिनर लेवल है, अगर 1 to 100 के स्केल में ये सारा काम अप टू 10 में ही आता है। तो जब एक बार 10 पे आपकी मास्टरी हो तो फिर आप इसके आगे और जो कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स हैं वो भी आप सीख सकते हो, लेकिन पहले ही बेसिक को आपको सीखना जरूरी है कि कौन से कमांड से बोल्ड होता है, कौन से अनबोल्ड होता है, फिल्टर कैसे होता है, डाटा कैसे मूव करता है। अब ये मैंने फिल्टर हटा दिया, मैक्सिमम भी ले लिया, मिनिमम भी ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने जो कमांड देखी थी
परसेंटेज की। अब ये जो ऑर्डर वैल्यू है इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय जो भी जिसके ऊपर हम निकाल रहे हैं इनटू 100। ये पहला कॉलम बराबर है, लेकिन आगे के लिए मैंने क्या बताया कि अगर आपको नीचे कॉपी करना है तो डेसिमल आप कम कीजिए पहले, जितने भी आपको चाहिए, 1 digit 2 digit, और यहां पर कॉलम के रेफरेंस से पहले $1 लगाइए और इसके बाद $1 लगाइए, तो नीचे की जो फिगर है वो अब नहीं हिलेगी। तो अब जो परसेंटेजेस कैलकुलेट होगी वो एग्जैक्ट परसेंटेज कैलकुलेट होगी, और ये बहुत यूजफुल होता है अपने को, तो 100 आना चाहिए। तो अगर 100% सेल्स है तो ये सबका पर्सन वाइज परसेंटेज आ गई। अब मुझे अगर इसमें ये चेक करना है सबसे मैक्सिमम किस आदमी ने करी, तो वापिस मैं मैक्सिमम करूंगा तो मैक्सिमम परसेंटेज भी मेरे को यहां से मिल जाएगी, और वो वही होगा जिसने 18.70 किया, ये 1879 ने, तो ये यहां से आपको मैक्सिमम फॉर्मूला से मिल गए। उसके बाद अगर ये सारे डाटा को मेरे को अपर केस में करना था या आइटम्स को, तो मैं क्या करूंगा, एक कॉलम इंसर्ट करता हूं बाजू में, यहां पे अपर का फॉर्मूला लगाता हूं और इसको सिलेक्ट करता हूं, बाइंडर अपर केस में हो गया, और मैं इसको ड्रैग करता हूं, राइट। अब यहां पे एक छोटा सा फंक्शन है, मैं आपको बताता हूं, जब भी हम कॉपी करते हैं सो जनरली फॉर्मूला कॉपी होता है, अगर हमको सिर्फ मैटर ही कॉपी करना है तो राइट क्लिक कीजिए जहां पे भी कॉपी करना है और पेस्ट वैल्यू करिए, ये 1 2 3 इज वैल्यू। तो अभी वह पूरा का पूरा यहां पे कॉपी हो गया, अब मैंने इसको डिलीट किया, तो अभी थोड़ी देर पहले जो लोअर केस में था वो पूरा अपर केस में हो गया। ऐसे हम वैसे वर्षा इसको लोअर केस में भी कर सकते हैं। अब टेबल मेरी रेडी है, अब मुझे मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना है, पर मैनेजमेंट को मैं ऐसे दे नहीं सकता, तो मुझे इसको कुछ तो सजावट करनी पड़ेगी। अब मुझे ये करनी है सजावट रीजन वाइज, अब मैनेजमेंट को एक मीनिंगफुल देना कि पर्सन वाइज रीजन वाइज कितनी कितनी सेल हुई। तो यहां पे ऑप्शन है सब टोटल की। सब टोटल क्या बोलता है, वो बोलता है एट ईच चेंज इन ऑर्डर डेट यूज फंक्शन सम, और वो आप ऐड करो किस चीज के नीचे, जिसका भी टोटल करना है यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करो ऑर्डर वैल्यू का। मैंने एक बेसिक फंक्शन दिया कि जब भी डेट वाइज मुझे चाहिए, अभी आपसे मैनेजमेंट ने पूछा तो मुझको बताओ डेट वाइज कितनी सेल हुई। अब नॉर्मल केस में आप हर एक जहां पे भी डेट बदली ब्रेक डालोगे सम का फॉर्मूला डालोगे तो सब टोटली से आपको ये चीज इजीली मिल जाती है। अब मैंने डेट वाइज जब किया तो मुझको मिल गई सेल सब टोटल में, क्या मिला मेरे को 21 तारीख। अब इसके भी 3 लेवल है, अगर आप ये देखिए 3 लेवल है, ये पूरा डाटा है, ये सिंपल डेट वाइज डाटा है कि 21 दिसंबर को कितनी सेल, 22 को कितनी, 23 को कितनी, इसका टोटल 19627। अब यही हम कैलकुलेटर से करने बैठे हमारी जिंदगी निकल जाएगी, राइट। तो सब टोटल की कमांड यहां पर यूज करते हैं, मैंने ये दिखाया है, लेकिन जब तक आप इसको खुद यूज नहीं करोगे, सब टोटल करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है जिस भी फंक्शन का आप सब टोटल कर रहे हो जिस भी चीज के ऊपर, वो डाटा सॉर्टिंग होना चाहिए उस डाटा के ऊपर। तो हमारा डाटा डेट वाइज सॉर्टिंग था, तो मैंने डेट के ऊपर सब टोटल किया। अब यही मुझे सब टोटल हटाना हो तो सब टोटल पे क्लिक करके रिमूव ऑल करूंगा तो वापस डाटा आ जाएगा। अब मुझे सिर्फ लास्ट स्टेप करना है इसके ऊपर, ये डाटा को प्रेजेंटेबल बनाना। मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक है मैनुअल ऑप्शन, मैं इसको सिलेक्ट करूं, होम पे जाऊं, बोल्ड करो। अब यहाँ पे बेसिक रूल बताता हूँ आपको, टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट लाइन रहते हैं, तो जितने भी टेक्स्ट हैं 1 2 3 इनको आप प्लीज लेफ्ट लाइन कर दीजिए। फिर जितने भी फिगर्स हैं जिनका टोटल होता है वो हमेशा राइट लाइन रहते हैं, सो 1 2 3 इनको हमने राइट लाइन कर दिया हेडिंग के साथ और परसेंटेज को भी, राइट। और जिनका टोटल नहीं होता वो हमारी ऑप्शन है, वी कैन पुट देम इन सेंटर लाइन, सो यूनिट्स को और इसको मैंने सेंटर लाइन किया। अब मुझे ये दिखाने के लिए कि थोड़ा अच्छा बने मैं इसको बॉक्स बॉर्डर दे रहा हूं, तो यहाँ पे जो बॉर्डर यूज होते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि बॉर्डर कैसे यूज हुए। अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको प्लीज थोड़ा सा टेक्स्ट कलर कर देता हूं। फिर मुझे लगता है काला काला अक्षर अच्छा नहीं लग रहा मैनेजमेंट को दिखाने के लिए, तो मैं इसको थोड़ा ब्लू कर देता हूं। राइट फिर मुझे दिखाना है कि मैनेजमेंट को कि कौन सा आदमी गलत है जिसने बहुत कम सेल की,
वो जो 909 वाला था, कोई भी जो सबसे कम था जिसकी परसेंटेज, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। एक चीज ध्यान रखना, जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो पूरी एंड तक सिलेक्ट होता है, इसलिए जब भी डाटा में काम करें सिर्फ डाटा को सिलेक्ट करें। डाटा सिलेक्ट किया और मैंने टेक्स्ट को रेड कर दिया कि ये आदमी अच्छा नहीं रहा, और जिसने ज्यादा किया उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया ये आदमी अच्छा था, ग्रीन कर दिया उसको। तो यहां से मैं कलर फॉर्मेटिंग कर सकता हूं। फिर मुझे अब इसका टाइटल देना है, तो टाइटल देने के लिए मैंने इंसर्ट किया और मैंने लिखा डेट वाइज ओल्डर रिपोर्ट। अब मुझे बताइए कैसा गंदा सा लग रहा है। तो मैं सेल्फ स्टाइल में गया और मैंने इसको हेडिंग ले लिया। अब मेरे को कैसा हेडिंग चाहिए आप मुझे बता दीजिए, जैसा आपको चाहिए वैसा हेडिंग आप चूज कर सकते हैं, राइट? ऐसा अच्छा लग रहा है। अब ये जो डाटा है, अब ये समझिए कि ये बीच में इस राइट साइड में आ रहा है, मुझे कैसा चाहिए? सबके सेंटर में चाहिए। सबको सिलेक्ट कीजिए और ये मर्ज एंड सेंटर की कमांड दबाइए और यहां से भी ऊपर चला गया। तो प्लीज मुझे वो रो हाइट हमने सीखी थी, तो रो हाइट सिलेक्ट कीजिए, इस रो को राइट क्लिक कीजिए, रो हाइट में इसकी राइट बढ़ा दीजिए। ओके, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है डाटा एज कंपेयर टू इस डाटा से जो हमारे पास था यहाँ लेफ्ट में एकदम ब्लैंक। अब नीचे हमने टोटल्स दिए, अब ये कैसे लग रहा है गंदा गंदा सा? तो इसको मैं बोल्ड कर दूं, अब ये देखो कैसे छोटा छोटा दिख रहा है। मैं इसको जब भी यहां से कट करूं, एक स्टेप पीछे लूं और फिर बॉक्स बॉर्डर वापस डाल दूं, राइट? तब आपके सामने ये जो डाटा है वो एक फेयरली प्रेजेंटेबल है। लेकिन अपने को पता है कि अगर कोई अच्छी मैनेजमेंट और कुछ ज्यादा स्टाइलिश काम चाहिए तो प्लीज इसको सिलेक्ट करो और जो आपको अच्छा लगे फॉर्मेटिंग, वो फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट टेबल से आप उठा लो जो आपकी डाटा को सूट करे, राइट? अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। अब यहां पे ऑटोमेटिकली फिल्टर आए हुए, आप किसी भी रीजन वाइज फिल्टर निकाल सकते हो। सेंट्रल में कितनी सेल हुई, ईस्ट में कितनी सेल हुई, लाइक मुझे ईस्ट में सेल देखनी है, ईस्ट पे क्लिक किया और ईस्ट आ गया, राइट? या फिर मेरे को टेबल का फॉर्मेट चेंज करना है तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं। अब मेरे को हटाना है फिल्टर, डाटा में जाऊं अपना कहां गया पे होम पे और फिल्टर को हटा दूं, ये डाटा है, राइट? तो ये बेसिक था एक्सेल का एक काम करने के लिए। अब इसके अंदर जो मैं एक सिर्फ क्विक ले रहा हूं कि हमने कहां से शुरू किया था और कहां पे जाके खत्म किया। हमने ये डाटा पकड़ा था जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ 5 कॉलम थे हमारे पास, डेट रीजन रिप्रेजेंटेटिव आइटम यूनिट कोर्स। इससे हम कुछ भी आंसर इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहे थे कि कितनी सेल हुई, किसने कितनी की। फिर उसके लिए हमने डिफरेंट फंक्शंस यूज किए, हमने सब्सट्रैक्ट करना देखा, एवरेज करना देखा, काउंट करना, मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज सम लेंथ राइट सॉर्टिंग करना देखा, फिल्टर करना देखा, हाइड अनहाइड करना देखा। और ये सारे फंक्शंस जो यूज किए उसको मैंने यहाँ पे आपके सामने टाइप भी करके दिया कि हम सम कैसे करते हैं, एवरेज काउंट मैक्सिमम मिनिमम कैसे करते हैं। जब ये सब किया तो उसको यूज करने के लिए हम लोगों ने पहले डाटा बनाया। डाटा में हमने वैल्यू कैलकुलेट की, मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाली, हमने टोटल का फॉर्मूला यूज किया, फिर काउंट का फॉर्मूला यूज किया, फिर हमने एवरेज डिवाइड का फॉर्मूला यूज किया, एवरेज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, मिनिमम कैसे निकालते हैं। फिर इस डाटा को हम लोगों ने सॉर्ट किया और फिल्टर भी किया। अभी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हो, और बाद में भी पूछना है तो आप बाद में भी पूछ सकते हो। होप क्लियर रहेगा, ठीक है? एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो चालू कर दो और बता दो मेरे को कैसा रहा। ठीक है, तो अभी ये सेशन फिर क्लोज करूं मैं। चलो फिर मैं क्लोज कर रहा हूं, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज या तो रिकॉर्डिंग देखिए, नहीं तो फिर मेरे को आप। ग्रेट सेशन सर, वेरी इन्फॉर्मेटिव, और मुझे तो सीखना था। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो ठीक है, कुछ भी रहेगा तो आप मेरे को फोन पे पूछो। पर करना कैसे कि प्रैक्टिस के लिए डाटा जो है, ये सैंपल डाटा आपको गूगल में मिलता है, एक्सेल में ये सैंपल डाटा डाउनलोड करो
और ये जितने भी फंक्शंस हैं या ऐसा कुछ है वो ट्राई करो अपने हाथ से। एक बार आप कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये चीज आपको इजी हो जाएगी, जहां अटको ये वीडियो देख लो या मेरे से पूछ लो। ओके सर, थैंक यू सर। चलो थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय सर। I'm not here.